या स्टाइलस लेके आई कि नहीं तुम? किधर है? तो स्टाइलस से स्टाइल से लिखते देखे। स्टाइल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का था? तीन तीन टाइप्स का था। कौन कौन सा? लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते थे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ, कौन सबसे बड़ा था? गामा। गामा कितना था? 3 अल्फा। और बीटा क्या था? 2 अल्फा। याद है? भूल गए? याद है कि भूल गए? याद है सर, भूल कैसे सकते हैं आप? भूल से भी भूल होनी नहीं चाहिए, है ना? चलो बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे आई होप, है ना? वी टुक सम वंडरफुल एग्जांपल्स। तो थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं अपन एप्लीकेशंस ऑफ। अच्छा, वाटर का एनोमलस बिहेवियर भी अपन ने देखा था, क्या होता है उससे? 0 to 4 में डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम घटता है, और पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी, दैट इज 1000 kg per meter क्यूब। तो लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो है बायमेटेलिक स्ट्रिप। क्या है बेटा? बायमेटेलिक स्ट्रिप। सर ये बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती बताते हैं आपको। बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है जिसमें दो मेटल्स हो, राइट? बाई का मतलब कितना होता है? दो। तो दो मेटल, एक और ये, दो दोनों भी एक जैसी हैं एक्चुअली स्पीकिंग। ऐसे बट क्या अंतर है सर दोनों में? दोनों में अंतर है कि इसका और इसका अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। एक का α1 है और दूसरे का क्या है? α2 है। α1, α2। ओके, लेंथ दोनों का सेम, दोनों का जो थिकनेस है वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है एक्चुअली स्पीकिंग। दैट्स द थिकनेस इनका टी। और ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि α1 बड़ा है किससे? α2 से। तो जिसका अल्फा बड़ा होगा उसका एक्सपेंशन भी क्या होगा? कम या ज्यादा? ज्यादा होगा। जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, चलो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। जैसे मान लो इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, तो कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा? ये अलग मेटल से बना है, ये अलग मेटल से बना है। दिस इज मेटल नंबर 1, दिस इज मेटल नंबर 2। कौन सा वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा? मेटल 1। तो ये कैसा दिखाई देगा एक्सपेंड होने के बाद? ऐसा ही दिखेगा या कुछ बैंड हो जाएगा? कैसा दिखेगा? लेकिन जैसे मैं ऑप्शंस बनाता हूं, क्या ये ऐसा दिखेगा? क्या ये
ऐसा दिखेगा क्या? ये ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा ये? 1 2 3 3 दिखेगा, क्यों? अल्फा 1 ज्यादा है तो उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, अल्फा 2 छोटा है तो उसका एक्सपेंशन कम होगा, तो कौन सा दिखेगा? 3। यानी कि कौन सा वाला साइड कॉनकेव और कौन सा वाला साइड कॉनवेक्स बनेगा? कॉनकेव मतलब जिधर केव बनता है, केव केव। हाँ, अल्फा 2 वाला केव बनेगा, अल्फा 1 वाला कॉनवेक्स बनेगा। तो दिस विल बी कॉनवेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव छुपता है, छुपा हुआ कॉनकेव, उभरा हुआ कॉनवेक्स, उभरा हुआ कॉनवेक्स। जैसे अपना सिर रहता खोपड़ी, तो अपना खोपड़ी को कोई ऊपर से देखेगा तो कैसा दिखेगा? कॉनवेक्स। लेकिन खोपड़ी के अंदर से देखे तो कॉनकेव। नहीं समझ रहे हैं आप? तो इसको कहां से देखोगे आप? ऊपर से ही देखोगे ना। तो कौन सा वाला साइड कॉनकेव और कौन सा वाला कॉनवेक्स? 1 वाला कौन सा? 1 वाला बनेगा कॉनवेक्स और 2 वाला कॉनकेव। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा अच्छा बना। ऐसा कुछ तो राइट। और ऐसा अज्यूम किया गया है इसमें कि ऐसा अज्यूम किया गया है इसमें कि थिकनेस ज्यादा वेरी नहीं होती, ओनली लेंथ वेरी होती है। थिकनेस वही रहेगी क्या? टी। अब मान लो ये लेंथ हो गई L1 और ये लेंथ क्या हो गई? अब आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, एक एक कर्वेचर की तरह बन गया है। यानी कि एक जैसे आर्क रहता है ना, आर्क वैसा आर्क बन गया है। उस आर्क का एक पर्टिकुलर रेडियस है और एक पर्टिकुलर एंगल है। जैसे कि आर्क का एंगल भी होता है और आर्क का रेडियस भी होता है, वैसा कुछ यहाँ पे बन गया है। मैं बना के दिखाता आपको अच्छे से। तो ये हो गया रेडियस आर और ये हो गया एंगल L1। को लिख लेंगे L1 प्लस α1 डेल्टा टी, और L2 को लिख लेंगे L1 प्लस α2 डेल्टा टी। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? और यहां से L1 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। L1 क्या है? आर्क है। आर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू एंगल। रेडियस कितना हो जाएगा L1 के लिए? आर प्लस टी, और एंगल कितना है? थीटा। तो क्या हो जाएगा? आर प्लस टी इंटू थीटा। अरे क्या कर रहे हो, आर प्लस टी इंटू थीटा ही होगा ना। आर्क का फॉर्मूला रेडियस इंटू एंगल, इसका रेडियस क्या होगा? आर प्लस टी, जबकि L2 का रेडियस क्या है? आर, तो सिर्फ आर थीटा। दोनों का क्या ले लो? रेशियो ले लो। रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा? यहां से L1 बाई L2 क्या मिला? 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, जबकि वहां से क्या मिला? आर प्लस टी अपॉन, तो यहां से आर निकल जाता है। यहां से आर निकल जाएगा और वही आर को कहां डाल देंगे? किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहां से थीटा आ जाएगा L2 बाई आर, क्योंकि वो थीटा पूछता है और आर पूछता है। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूछता है वो। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्यों बोला, इसको समझ में आया? अच्छा, अल्फा 2 बड़ा होता तो क्या सीन होता? चांद बनता। क्या बनता? चांद। और अगर α1 और α2 इक्वल होते तो स्ट्रेट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुआ है नीट में, सिर्फ α1 और α2 का रिलेशन दिया था और बोला था कैसा बनेगा, कौन कौन के बनेगा, कौन जिसका अल्फा बड़ा वो कौन वैक्स, जिसका अल्फा छोटा वो कौन के, कौन वैक्स जिसका अल्फा बड़ा है।
जिसका अल्फा क्या है, छोटा है। छोटा वाला कॉनकेव, बड़ा वाला कॉन्वेक्स, ऐसे याद है। क्या है ये? बाय मैथलिक स्ट्रीप, ये आर और थीटा पूछता है। थीटा जो एंगल सबस्टेंट है। जितना एंगल उसने सबस्टेंड किया है वो है ये। चले नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट, ये पहला वाला हो गया। दूसरा, दूसरा वाला देखते हैं अभी हम। दूसरा कलर चूज करेंगे, येलो दूसरा कलर। हे तो सेकंड, सेकंड वन सेज थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है साहब? थर्मल स्ट्रेस इसको भी समझते हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी बात किया हुआ है, फिर से बात करेंगे। कल याद है क्या बताया था सर ने? एक रॉड मान लेते हैं, इस रॉड का लेंथ कितना मान लेते हैं? एल। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लेते हैं? ए। और ये क्या कहलाते थे याद है? अरे क्या बोलते थे इनको? रिजिड सपोर्ट। और फिर क्या करते थे? इसका टेम्परेचर बढ़ाते थे। सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी तो क्या होगा बेटा? एक्सपेंड करने का ट्राई करेगा बट तो स्ट्रेन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेन। स्ट्रेन का याद है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था फॉर्मूला? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन एल डेल्टा एल अपॉन एल। कितना आया था? अल्फा डेल्टा टी। अल्फा इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है मेटल का। बट बात किसकी हो रही है? स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ याद है आपको? नहीं पढ़ा है कभी? हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा से। स्ट्रेस को किससे लिखते हैं? सिग्मा से। और वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो क्या आएगा यहां पर? एक कोएफिशिएंट कांस्टेंट बेसिकली, तो वो वाई आता है। वाई, वाई को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यहां पे जो वाई दिख रहा है, ये जो वाई दिख रहा है वाई, इस वाई को बोलते हैं क्या? यंग्स मॉडुलस। क्या लिखते हैं इसको? यंग्स मॉडुलस। इसका यूनिट भी क्या आता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ये भी किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग्स मॉडुलस का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग्स मॉडुलस का क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग्स मॉडुलस घटता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग्स मॉडुलस कम हो जाता है एक्चुअली स्पीकिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा था। अभी यंग्स मॉडुलस किस चीज को बताता है? कि जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या यहां पे देख सकते हैं सिग्मा किसके बराबर आया? वाई एप्सिलॉन एल। स्ट्रेस भी बिल्कुल फोर्स अपॉन एरिया जैसा ही होता है। स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, और प्रेशर भी क्या है? फोर्स अपॉन एरिया ही है। तो स्ट्रेस का यूनिट भी क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बेसिकली। ये भी पास्कल में आता है। यंग्स मॉडुलस भी पास्कल में आता है। यंग्स मॉडुलस जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को किससे कनेक्ट कर दे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से, वही क्या कहलाता है? यंग्स मॉडुलस। तो सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन एल। अच्छा, बल्क मॉडुलस भी अपन ने कल देखा था। तो बल्क मॉडुलस में भी सेम चीज होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वहां पर आएगा बल्क मॉडुलस।
नहीं समझ रहे हैं आप। सो बल्क मॉडुलस का भी यहां पर मैं बोल देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहेगा, बादल बना बना के चीजें हैं, सीख लो। सीखने के लिए क्या जाता है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक। तो यहां पे जो आएगा वो आता है बीटा। नहीं बस आ गए ना, यस। और सबसे अच्छी बात, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपने लिखा है, यही प्रेशर की तरह काम करता है, यही प्रेशर है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ही प्रेशर कहते हैं। और ये बल्क मॉडुलस, और ये होता है माइनस डेल्टा वी बाई वी। सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो आपने डेल्टा वी बाई वी लिखा था, आज तो माइनस डेल्टा। अरे भाई जब किसी पे प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी। लेकिन जब किसी को खींचेंगे तो उसका लेंथ, इसलिए प्लस डेल्टा एल बाई एल। घट रहा है तो माइनस डेल्टा वी बाई वी, बढ़ रहा है तो प्लस डेल्टा एल बाई एल। मान लो इसको मैं कंप्रेस करता तो क्या होता, माइनस डेल्टा एल बाई एल होता। बट इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, खींच रहा है। बट ये खींच, कल भी बताया था स्ट्रेस कब आता है, कब आता है स्ट्रेस, जब आप कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, यानी कि एक्सपेंड होना चाहता है बट नहीं हो पा रहा है, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहा, छोड़ करके हिमालय पे जाना चाहते हैं सब कुछ बट नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने जो है प्रेशराइज कर रखा है उनको, है कि नहीं। तो वैसे ही इसमें भी क्या आ रहा है, स्ट्रेस। हमारे दिमाग में भी क्या आता है, हम बोलते हैं ना बहुत टेंशन आ रहा है यार, बहुत स्ट्रेस आ रहा है यार, तो वही स्ट्रेस है, ये ऐसे आता है स्ट्रेस। तो सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस सब जगह। जैसे मैं खड़ा हूं यहां पर, तो इस प्लेटफॉर्म के चार टांगे हैं पक्का ना, चार लेग्स है कि नहीं है। अब मैं जब खड़ा हूं ना, वो नहीं चाहते कि मैं यहां खड़ा हूं, क्योंकि उनमें क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस है उसके। तो सेम ऐसा ही, तो वही सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक। बट वो तो वहीं से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपने कल देखा होगा, क्या आया था, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, वही सेम है ये। एप्सिलॉन एल का वैल्यू वहां से डाल दो, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एल का वैल्यू डालो ना, क्या है अल्फा डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा टी। तो ये किसकी वजह से आया है, टेम्परेचर रेस की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या है, थर्मोलुस्ट्रुस को। तो इसको फॉर्मूला क्या है, वाई अल्फा डेल्टा टी, फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, हाँ वाई अल्फा डेल्टा टी। अच्छा जब ये एक्स एक्सपेंड हो रहा होगा तो ये रिजिड सपोर्ट, इस पे फोर्स किधर लगाएंगे, देखो ये फैलना चाहता है बट फैल नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि रिजिड सपोर्ट ने किधर फोर्स लगाया है, अंदर। तो अंदर फोर्स लगाते हैं तो बोलते हैं कंप्रेसिव। तो ये कौन सा स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और अगर मान लो टेम्परेचर घटाते, ये तो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर घटा दे तो क्या होता, अगर मान लो इसका टेम्परेचर घटाओ तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, या टेम्परेचर घटाने पर एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर घटाने पर एक्सपेंड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि टेम्परेचर घटाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे खींचना चाहेगा बट खींच, क्योंकि रिजिड सपोर्ट किधर फोर्स लगाएंगे, बाहर। तो इसको बोलते हैं टेंसाइल। तो इसमें जो स्ट्रेस आया है वो कैसा आया है, कंप्रेसिव, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, एक्सपांशन। यहां पे क्या हुआ है, ये फोर्सेस कैसे हैं, टेंसाइल, या इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, और इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो कैसा होगा, फॉर्मूला दोनों का वही होगा, वाई अल्फा डेल्टा टी, बट बोलने वाली चीज अलग है। अच्छा फोर्स कैसे निकाले, अरे सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो
सिग्मा होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई फोर, जो भी है ना। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली रॉड है तो, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली रॉड होगी तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाली रॉड होगी तो साइड स्क्वायर, एरिया तो हम निकाल सकते हैं। तो यहां से फोर्स क्या आ गया मित्रांनो, मित्रांनो फोर्स क्या आ गया रे, वाई किसी किसी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से, तो वाई ए अल्फा डेल्टा टी। कब कंप्रेसिव कब टेंसाइल, समझ गया क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करना चाहेगा, तो रिजिड सपोर्ट क्या करेगा, तो कंप्रेसिव या टेंसाइल, और जब टेम्परेचर घटाएंगे कॉन्ट्रेक्शन होना चाहेगा, बट वो कॉन्ट्रेक्शन होने टेंसाइल, बट दोनों में फॉर्मूला सेम, स्ट्रेस चाहिए तो यहां से और फोर्स चाहिए तो, और स्ट्रेन चाहिए तो, अरे स्ट्रेन चाहिए तो, यानी कि तीन फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। कौन कौन सा, कौन कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है मित्रांनो, पहला फॉर्मूला स्ट्रेन का क्या है, अल्फा डेल्टा टी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज अल्फा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज व्हेन द लेंथ इज चेंजिंग, खींच रहा है इसलिए प्लस, कंप्रेस होता तो माइनस, ओके। और स्ट्रेस, स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला वाई अल्फा डेल्टा टी, और फोर्स का फॉर्मूला वाई ए अल्फा डेल्टा टी, तीनों याद हो गए, ये दूसरा वाला है, कौन सा वाला है, दूसरा वाला है ये, दिस इज दूसरा। अरे समझ गए क्या, एक बार इतना घटिया क्वेश्चन पूछा था बट बच्चे गलत करके आए थे, मैं बता देता आपको, क्वेश्चन ऐसा था, पता नहीं कौन सा एग्जाम में पूछा था, मुझे भी याद नहीं है। अबे चले, ये था क्वेश्चन, एक रॉड था सब वही, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना डेल्टा टी, है ना। अब आपसे क्या पूछा था, थर्मल स्ट्रेस, पहला ऑप्शन था वाई अल्फा डेल्टा टी, फिर था अल्फा डेल्टा टी, फिर था वाई स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी, और फिर था नन। हाँ क्या आएगा आंसर, वाई अल्फा डेल्टा टी, नन आएगा इसमें, स्ट्रेस नहीं आएगा इसमें, स्ट्रेस आएगा जीरो। क्यों नहीं आएगा इसमें स्ट्रेस, फ्री टू एक्सपेंड है ये, इसकी जिंदगी में कोई तकलीफ, जिंदगी में जब कोई तकलीफ ही नहीं है तो स्ट्रेस जीरो आएगा। फंस गए ना, खा गए ना गच्चा, तो सब लोग गच्चा खा गए थे, क्या लगा के आए थे, बड़ा आंसर क्या था, नन, इसीलिए बी केयरफुल। एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज होती है ना जिसको ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, अपन उसमें गलती करके आते हैं बच्चे। सर आपने बताया था ना फॉर्मूला वाई अल्फा डेल्टा टी, एग्जैक्टली वही पूछा था, बट फिर आके पता लगा वो तो था ही नहीं है, ये तो कुछ और ही था, क्योंकि इसमें क्या होगा, फेल जाएगा ये, कोई स्ट्रेन आने वाला, स्ट्रेस आने वाला नहीं है, ऐसा हो जाएगा इसमें, लोचा है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए, नहीं तो सावधानी हटी है लगेज, दुर्घटना घटी हो जाएगा आप लोगों के साथ। तीसरा दिखते, अरे इंटरेस्टिंग है कि नहीं यार ये सब, तीसरा, सो थर्ड वन, बैटरी इज रनिंग लो, तो तीसरा है बेटा, अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स, अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स, अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स क्या है सर ये, अपरेंट वर्ड कहीं सुना है क्या, नहीं सुना है, अपरेंट वेट नहीं सुना है आपने, एम जी प्लस एम ए, एम जी माइनस एम ए, नहीं सुना है एनएलएम में, किसने पढ़ाया था,
हमने ही पढ़ाया था यार, एक में 1 + a/g होता था, एक में 1 - a/g होता था, वो ही क्या कहलाता था? अपरेंट। अपरेंट को आभासी भी कहते हैं, आभासी, आभासी, जिसका क्या होता है? आभास। तो कभी कभी हम लिफ्ट में जा रहे होते हैं, लिफ्ट नीचे जा रही होती है, तो हमको लगता है वाह क्या मजा आ रहा है, हमको वेटलेसनेस फील होने लगता है, होता है कि नहीं होता है? या फिर वो जो जायंट व्हील होता है, देखा कभी जायंट व्हील? तो जायंट व्हील में जब ऐसे जा रहे तब तो तकलीफ नहीं है, जब ऐसे जा रहे होते हैं तो क्या लगता है? हल्का लगता है, समझ रहे ना? और कुछ लोग हल्के भी हो जाते हैं। तो अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, छोटे छोटे बच्चे जो है उधर ही छलके हो जाते, अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, समझ रही है ना तुम कि नहीं समझ रही हो? समझ जाओ। हाँ ठीक है, फिर नीचे वाले को पसीना आने लगता है उस, तो समझ में आता पसीना कैसे आ रहा है, इतना हवा चल रहा है पसीना कैसे आ रहा है? ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे नहीं तो फिर अजीब लगेगा आपको। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि मैंने एक वैसल लिया, दिस इज द वैसल एंड दिस इज लिक्विड, होता क्या है यहां पर अगर मैं बुनसेन बर्नर लगाऊं, केमिस्ट्री में बनाए होंगे आपने इसे, नहीं बनाया है कभी, पढ़ भी लिया करो केमिस्ट्री, पढ़ोगे तो बनाओगे, ऐसा नहीं बनाया है कभी? फिर तो ये बुनसेन बर्नर है और ऊपर पतीला रख दिया है अपन टेबल वर्क, तो होता क्या है, जैसे ये बुनसेन बर्नर चालू किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लिक्विड भी एक्सपेंड करता है और वेसल भी एक्सपेंड करता है, बिकॉज वेसल भी मेटल से बना हुआ है, और लिक्विड का तो गामा है ही सही, तो इसका भी गामा है, दैट इज गामा लिक्विड, और इसका भी गामा है, दैट इज गामा वेसल, यानी कि बोथ बोथ कौन कौन, वेसल एंड लिक्विड एक्सपैंड टुगेदर, दोनों साथ में एक्सपेंड करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो वेसल एक्सपेंड नहीं करता तो सिर्फ कौन एक्सपेंड करता? लिक्विड। तो फिर वो पूछता है इतना खाली है, तो स्पिल आउट होने के लिए, स्पिल आउट मतलब ओवरफ्लो, ओवरफ्लो इतना ही वॉल्यूम बढ़ना चाहिए लिक्विड का, क्योंकि वेसल तो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वेसल भी एक्सपेंड करता है तो फिर हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ पाता है, तो एग्जैक्ट आइडिया लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपरेंट एक्सपेंशन। यानी कि मान लो मैंने देखा कि लिक्विड जो है 4 mm ऊपर आ गया, कितना आ गया 4 mm ऊपर आ गया, ठीक है, और वेसल जो है वो भी एक्सपेंड हुआ है 2 mm, यानी कि 4 mm तो कौन एक्सपेंड हुआ, लिक्विड, और 2 mm कौन एक्सपेंड हुआ, तो ओवरऑल एक्सपेंशन कितना हुआ, 2 या 6? 2, 2 कितना हुआ, 2, क्योंकि दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं ना। तो गामा अपरेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल करना पड़ता है, हमेशा गामा लिक्विड ही बड़ा होगा, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, ये तो पक्का है ना, और आपका जो वेसल बनेगा वो किससे बना होगा, सॉलिड मटेरियल से, तो इसका मतलब किसका एक्सपेंशन ज्यादा हुआ होगा, लिक्विड का, तो गामा लिक्विड हमेशा बड़ा होता है किससे, तो अगर आपको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी आपको निकालना है तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता था, वी गामा डेल्टा टी, बट गामा की जगह गामा पर है, तो दिस विल बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू वेसल, वेसल के रेस्पेक्ट में तो यही होगा वी गामा पर है डेल्टा की, क्योंकि वो खुद भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो उसका माइनस करना पड़ेगा ना, आपको लग रहा है ये 4 फैल गया बट 2 तो यही फैला है, कंटेनर 2 फैल गया, आपको लग रहा है टोटल 4 फैला है, तो 4 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा ना, तो केवल लिक्विड तो कितना फैला है, 2 ही फैला है विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती थी, समझ रहे कि नहीं? जैसे मान लो एक ट्रक है, ट्रक चल रहा है और उसके ऊपर जो है एक बच्चा है वो भी चल रहा है,
मैंने बोला बच्चा का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो वाकई में बच्चे का स्पीड कितना है? 10 थोड़ी है, 8 है, 8। कितना है? 8। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में 8 है उसका, तो ऐसे निकालते हैं। तो वही यहां पर है सेम सेम तरीके से, तो कंसेप्ट इतना ही बोलता है यहां पर सिर्फ कि जब, अबे यार, जब एक्सपेंशन होगा तो फिर किसका होगा? दोनों का होगा। अच्छा, किस कंडीशन में ओवरफ्लो नहीं होगा, यानी कि इन विच कंडीशन देर विल बी नो चेंज इन द राइज ऑफ लिक्विड, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं अलग से शब्दों में, इफ गामा लिक्विड इज इक्वल टू गामा वेसल, ऐसा हो गया तो गामा अपरेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और गामा अपरेंट जीरो हुआ तो डेल्टा वी भी क्या होगा, यानी कि लिक्विड लेवल क्या रहेगा? सेम। लिक्विड लेवल सेम रहेगा अगर दोनों सेम लेवल तक भरे हैं तो, यानी कि जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम तब आपने फुलफिल किया है तो, यानी कि ये कंटेनर और आपने पूरा भर दिया है तो, उस कंडीशन में ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन सर अगर मान लो ऐसा ना हो, ये थोड़ा ही भरा हो, यानी कि लिक्विड कुछ ही इसमें भरा हुआ है, और आपसे क्या बोला है, इफ लिक्विड लेवल रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये कब होगा? जब डेल्टा वी वेसल इज इक्वल टू डेल्टा वी लिक्विड होगा, उस कंडीशन में लिक्विड लेवल रिमेंस क्या होगा? डेल्टा वी का फॉर्मूला वी गामा डेल्टा, बट वी क्या? वेसल, गामा वेसल, डेल्टा टी इज इक्वल टू वी लिक्विड, गामा लिक्विड, डेल्टा डेल्टा टी से, तो क्या आ गया? वी वेसल गामा वेसल इज इक्वल टू वी लिक्विड गामा लिक्विड। और अगर दोनों सेम वॉल्यूम तक भरे होते हैं तो वही कंडीशन मिल जाएगा जो थोड़ी देर पहले मिल रहा था, ये कट जाएगा वी वेसल और वी लिक्विड, यानी कि अगर ऐसा होता तो वी वेसल और वी लिक्विड कट जाता, क्या जाता? गामा वेसल इज इक्वल टू गामा लिक्विड, और उस कंडीशन में गामा अपरेंट क्या हो जाता? जीरो हो जाता। बट अगर ऐसा नहीं दिया है, कुछ ही भरा हुआ है, तो फिर आपको जो मैंने बोला वैसे करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे ना? समझना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अब अगर मान लो लिक्विड लेवल बढ़े तो कब बढ़ेगा? जब डेल्टा वी लिक्विड किससे ज्यादा हो? डेल्टा वी वेसल से ज्यादा हो। और लिक्विड लेवल घट रहा है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा वी वेसल ज्यादा है किससे? डेल्टा वी लिक्विड से। वैसे वो एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। एक तो ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि भाई कितना ओवरऑल इंक्रीज आया वॉल्यूम में कंटेनर के अंदर, तो वो किससे आ जाएगा? वी गामा पर है डेल्टा डी। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। विल डू सम क्वेश्चन देन वी विल गेट। ओके, ऐसे होता है क्या सर? हाँ, तो हमको समझ में आएगा। तो गामा परन का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या है? गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल, गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल, गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल, गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन दिखाता आपको, अच्छा लगे तो ठोकना ताली, ठीक है? इसी का क्वेश्चन करेंगे अपन। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम बोलो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खोलिए सर जी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खुल गई है, खुल जा सिम सिम। एक क्वेश्चन है, लिखिए।
अच्छा अभी तो लिख नहीं सकते आप, मैं लिखता हूं। क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन सेज द क्वेश्चन सेज द कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, द कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन अ कॉपर वेसल, इन अ कॉपर वेसल इज सी एंड इन अ सिल्वर वेसल इज एस। सिल्वर सिल सिल्वर वेसल इज एस। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज गामा सी। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। एक बार लिक्विड को किसमें डाला है, तो दो वेसल है, कौन कौन सा? एक तो कॉपर का वेसल है और दूसरा सिल्वर का वेसल है। इसमें भी इसी लिक्विड को डाल दिया, इसमें भी इसी लिक्विड को डाल दिया। एक तो किसका हो गया, कॉपर का, एक किसका हो गया, सिल्वर का। साथ सिल्वर का मान लेते हैं गामा सिल्वर, कॉपर का मान लेते हैं गामा कॉपर, और लिक्विड का अपरेंट एक्सपेंशन दिया हुआ है। क्या होता है अपरेंट एक्सपेंशन का फॉर्मूला? गामा अपरेंट होता है गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल, तो गामा लिक्विड माइनस गामा कोपर यहां पर, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, सी के, यानी कि दिस इज सी। और सिल्वर में डाला तो क्या हो जाएगा, गामा लिक्विड माइनस गामा सिल्वर, जो कि किसके बराबर दिया है, एस के। और निकालना क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर, यानी कि गामा एस निकालना है। क्या निकालना है, निकल जाएगा, गामा एस निकालना है, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। दोनों को सबट्रैक्ट करने का फायदा क्या होगा, आर नहीं गामा, आर वार नहीं, क्या है गामा। तो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करने पर, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू का फायदा ये हो जाएगा, सी माइनस एस इज इक्वल टू क्या थोड़ा सा और इसमें मस्का लगा देते हैं, यानी कभी काम करता है कभी नहीं करता, चापड़ खाएगा। हाँ लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, इक्वेशन वन माइनस टू किया तो क्या आया, सी माइनस एस, गामा लिक्विड क्या हो गया कैंसिल, यहां पे क्या बचा माइनस गामा कॉपर, यहां पे बचेगा प्लस गामा सिल्वर, तो क्या आ जाएगा गामा सिल्वर माइनस गामा कॉपर, गामा सिल्वर माइनस, तो गामा सिल्वर क्या आ गया, सी माइनस एस प्लस, बस गामा होता है थ्री अल्फा, उसने अल्फा पूछा है, तो गामा क्या होता है थ्री अल्फा, थ्री अल्फा इज इक्वल टू सी माइनस एस प्लस गामा को ऊपर, तो अल्फा एस क्या आ गया, सी माइनस एस प्लस गामा को ऊपर डिवाइडेड बाई थ्री, ये आ गया अल्फा सिल्वर। अरे नहीं समझा, समझ गया सर, एक और करते हैं इसी के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ग्लास फ्लास्क, ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, एट 0 डिग्री सेल्सियस इज फिल्ड लेवल फुल बाय मर्करी।
मरकरी को तो आप जानते ही होंगे, मरकरी और कार्बन, कार्बन और मरकरी इतने स्पेशल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अभी मैं थोड़ा उसमें घुस रहा हूं केमिस्ट्री में वापस से, ये स्पेशल लोग है। क्यों कार्बन क्यों स्पेशल है? कार्बन के ऊपर तो पूरा ऑर्गेनिक फिजिक्स चलता है, समझ रहे ना? नहीं चलता है, कार्बन खतरनाक आदमी है। पूरा 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, 25 में से 10 क्वेश्चन सिर्फ कार्बनिक मतलब इसके आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कार्बन बहुत खतरनाक है, बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं उसमें, बहुत सारी जगह यूज होता है वो। मरकरी स्पेशल क्यों है? मरकरी डी ब्लॉक में मिलता है, मिलता है ना? डी ब्लॉक में सब सॉलिड है, केवल मरकरी लिक्विड है, यानी कि लिक्विड मेटल है। नेचुरल स्टेट में ये लिक्विड मेटल है, नेचुरल में। बाकी कुछ भी देख लो आप पूरे डी ब्लॉक में सब सॉलिड है, यानी कि सॉलिड मेटल है। ये क्या है? लिक्विड मेटल है, इसलिए स्पेशल है थोड़ा सा। अरे स्पेशल है तो दो ही स्पेशल लिक्विड्स होते हैं एक्चुअली, एक होता है पानी ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर और दूसरा होता है मर्क्यूरी। इसलिए हमारी फिजिक्स में पानी और मर्क्यूरी का स्थान बहुत ऊपर है, इसलिए कभी भी भरा जाएगा पतीले को तो या तो पानी से भरा जाएगा या मर्क्यूरी से ही भरा जाएगा, पेट्रोल से नहीं भरेंगे। इसलिए देखो इसने क्या भर दिया, अ ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज फिल्ड विद लेवल फुल, लेवल फुल मतलब ऊपर तक लेवल फुल भर दिया है। अरे बोलो यार। यस सर। तो अ ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम, सॉरी इधर से देखता हूँ, कितना भर दिया है? फुल भर दिया है। द फ्लास्क एंड द मरकरी आर नाउ हीटेड, फ्लास्क एंड मरकरी आर नाउ हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट कर दिया है, पूछा है हाउ मच मर्करी विल बी स्पिल आउट। इफ गामा मर्करी, ये कितना बकवास है यार। इफ गामा मर्करी इज गिवन 1.82 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा फ्लास्क और अल्फा ग्लास, बेसिकली ग्लास से बना है ना वो, तो अल्फा ग्लास इज 0.1 × 10⁻⁴ डिग्री पर सेल्सियस। ये क्वेश्चन, अ ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज लेवल फुल। लेवल फुल का मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इजंट इट और नॉट? यानी कि वी इनिशियल, यानी कि वी लिक्विड इज इक्वल टू वी वेसल, दैट इज हाउ मच? 1 लीटर। 1 लीटर होता है 10⁻³ m³, रट के ले लो हम बता रहे हैं। 1 लीटर कितना? देखो सिखा रहे हैं आपको, सीख लो, लूट मची है, लूट सके तो लूट ले। 1 लीटर कितना होता है? 10⁻³ m³। उसने सीसी में आंसर दिया हुआ है, एक्चुअली हम सीसी में भी निकाल देंगे। सीसी क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100, 100³, 10⁶। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1000 सीसी। 1 लीटर इज 1000 सीसी एंड 1 लीटर इज, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? तो सीसी में आंसर दिया तो हम भी सीसी में ही ले लेते हैं। तो कितना सीसी हो जाएगा? 1000 सीसी, 10³ सीसी। कितना स्पिल आउट करेगा?
जो अपरेंट एक्सपेंशन होगा उसी के बराबर तो स्पिल आउट करेगा, क्योंकि दोनों पूरे भरे हैं, यानी कि जितना ग्लास फ्लास्क है उतना ही मरकरी भरा है। तो जो भी मरकरी का एक्सपेंशन होगा विद रेस्पेक्ट टू फ्लास्क, वही तो स्पिल आउट करेगा। यानी कि क्या निकालना है मुझे, सिर्फ डेल्टा वी अपरेंट। यस और नो? क्या फॉर्मूला था? वी इंटू गामा अपरेंट डेल्टा टी, और वी कितना है? अरे वी कितना है? 10^3 गामा अपरेंट का फॉर्मूला। गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल। गामा लिक्विड, लिक्विड कौन है इन दोनों में से? मर्क्यूरी लिक्विड है, तो गामा मर्क्यूरी माइनस गामा वेसल। वेसल कौन है? बट फ्लास्क का अल्फा दिया है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई। अरे यार, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 100 - 0। क्यों 100 - 0? पहले कहां पर था और हीट कहां पर कर दिया, तो 100 - 0, 100 - बस अब तो वैल्यू डालना है। आ ना 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 ना, ये कितना है गामा मरकरी? 1.82। इसका 3 टाइम्स करो, 0.3 × 10^4 इंटू कितना बचेगा? देखो ये हो गया 10^5 -4 1, और ये कितना बचा? 1. अबे माइनस भी नहीं करना आ रहा क्या? गांव से आया लग रहा है सब। कितना आ गया? 5.2 है ना, 1.52, यानी कि 15.2 सी सी। इतना क्या हो जाएगा? स्पिल आउट हो जाएगा। कैसा लगा? बुरा लगा? इसको क्या बोलते हैं? अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, क्योंकि दोनों एक्सपेंड कर रहा है। दोनों कौन? ऐसे निकालना पड़ेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? ये समझ गए? समझ गए। अच्छा ऐसा होता कि ये आधा भरा होता, यानी कि ग्लास फ्लास्क का वॉल्यूम तो कितना है और ये आधा भरा होता, तो क्या फर्क पड़ता? फर्क यहां पड़ जाता। अः यहां पर क्या आता? 1/2 × 10^3, यानी कि यहां पर जो वॉल्यूम लेते हैं वो लिक्विड का लेते हैं, वेसल का नहीं लेते, लिक्विड का लेते हैं। तो वी लिक्विड गामा अपरेंट डेल्टा टी। अब फिर हम चेक करते, क्योंकि आधा खाली है। अब वो अगर आधा खाली है और ये मान लो आपका जो है आधा ही आया, तो स्पिल आउट नहीं करेगा। आधा खाली था, मान लो ये 1/2 लीटर आ जाता, आएगा नहीं, क्योंकि वो इतना थोड़ी आएगा। आधा भरा है, आधा एक्सपेंड हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। एक्सपेंशन होता है तो थोड़ा सा होता है। भरा कितना था? अरे ये कितना भरा था? 1000 cc, जबकि एक्सपेंड कितना हुआ? देख सकते हैं आप कितना कम है ड्यू टू दिस। बोला था ना 10^-4 या 10^-5, ऐसे आता है। अरे ऑनलाइन बच्चे हैं या सो गए? समझ रहा है क्या क्या चल रहा है इधर मार्केट में? तो ये कौन सा वाला एप्लीकेशन था? तीसरा शायद ना। पहला कौन सा था? बाई मेटेलिक स्ट्रिप। दूसरा कौन सा था? थर्मल स्ट्रेस। तीसरा कौन सा था? अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। अब चौथा। सर हम लिखेंगे कब? लिख लेना भाई, लिख लेना, लिखने के लिए तो आए थे हम लोग, लिख लेना उसमें क्या। चौथा। तो देखो चौथा जो है वो ये है, फ्लोटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फ्लोटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें कुछ लिक्विड भरा है और उसमें ऑब्जेक्ट एक फ्लोट कर रहा है, ये लिक्विड है। और यहां पे वापस से क्या लगा दिया? बंसेन बर्नर। बट ये हवा में तो नहीं रह सकता है, इसको ऐसे टिकाना पड़ेगा। सो दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, दिस इज वॉट? लिक्विड। और लिक्विड का गामा क्या मान लो? गामा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, गामा मान लो। इसमें हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे, यानी कि नेगले
आएगा कि नहीं वो वापस? आएगा। आता है ना कि नहीं आता है? आर यू श्योर? क्योंकि नहीं आया तो गया, फिर वो ऑनलाइन देखना पड़ेगा आपको, समझ रहे ना? हाँ, अभी ऑनलाइन वालों ने तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मैं क्या बोल रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो क्यों करता है? उसकी डेंसिटी कम होती है किससे? लिक्विड की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है? कम। तो वहां पर ना एक बाइंड फोर्स लगता है, क्या लगता है? वो बाइंड फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है? लिक्विड। लिक्विड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे बाइंड फोर्स लगाता है, किधर? जो कि किसको बैलेंस कर देता है? उसके वेट को। तो वेट इज बैलेंस बाय द बाइंड फोर्स। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या करता है? फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट करता है। मेरा प्रश्न वो नहीं है, मेरा प्रश्न है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं लिक्विड का, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? यानी कि वो अगर मान लो पार्शियली फ्लोट कर रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा मतलब अंदर चला जाएगा कि बाहर चला जाएगा, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा प्रश्न वहां पर जाके अटक रहा है। रुक जाओ, अभी पता लग जाएगा, रुको। हाँ सावित्री भाई आ गई कूले। अ प्रीवियस सेशन एग्जिस्टेड विदाउट सेविंग, डू यू वॉन्ट टू रिकवर द फाइल? यस। आया क्या? आया तो सही है, लेकिन पूरा आया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। हाँ आया, हाँ आया, हाँ आया, हाँ आया। नहीं आया, थोड़ा समझ गया, यानी कि थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा क्या है बेचारा? स्लो है। मुझे तो याद है आंसर कितना आया था। एक चौथा। कौन सा था चौथा? फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चौथा है फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मेरा प्रश्न ये था कि जब ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ये कंटेनर है, ये कौन है? बुनसेन बर्नर। और ये स्टैंड है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, और ये लिक्विड है, और लिक्विड में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, पार्शियल फ्लोट कर रहा है। कैसा है? पार्शियल फ्लोटिंग है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, लिक्विड का गामा गामा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का डेंसिटी ऑब्वियसली घटेगा। अच्छा, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, नेग्लेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ वेसल एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और वेसल दोनों का एक्सपेंशन को आपको क्या करना है? नेग्लेक्ट। सिर्फ कौन एक्सपेंड कर रहा है? लिक्विड। तो टेम्परेचर बढ़ने पे गामा लिक्विड बढ़ेगा। तो मेरा प्रश्न ये कि ये अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, मतलब नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये प्रश्न था एक्चुअली। तो देखते हैं ये क्यों फ्लोट कर रहा है, इसके फ्लोट करने की वजह क्या है, इसका वेट किधर लग रहा है? नीचे। गामा नहीं है, रो है। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। और रो ऑब्जेक्ट कम रहा होगा किससे, तभी तो फ्लोट कर रहा है ना? तो इसका वेट किधर जाएगा, जबकि बाइंड फोर्स किधर जाएगा? वेट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एम जी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि एम ऑब्जेक्ट इंटू जी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर मास चेंज होता तो वेट चेंज नहीं होगा। बायंड फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या आपको? बायंड फोर्स का फॉर्मूला भी एम जी ही होता है। क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या आप?
हाँ मजाक नहीं करते, बायंड फोर्स का फॉर्मूला भी एम जी ही होता है, बट ये होता है एम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। एम डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड यानी कि जब ये इसके अंदर है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, तो कुछ फ्लूइड को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यही जो है, यही क्या है, एम डिस्प्लेस्ड, यानी कि मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, 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 मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यानी कि बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और दोनों बराबर है फ्लोटिंग कंडीशन में। तो फ्लोटिंग कंडीशन में क्या लिखोगे, फेसबुक बराबर क्या, व्हाट्सएप। अभी देखो आपको वही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा ना, आप रात दिन उसमें उलझे हुए हैं। फेसबुक इज इक्वल टू व्हाट्सएप, फेसबुक कितना आया, एम डिस्प्लेस्ड इंटू जी बराबर एम ऑब्जेक्ट इंटू जी ने जी को। अब क्या एम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, एम डिस्प्लेस रो लिक्विड इंटू वी डिस्प्लेस इज इक्वल टू एम ऑब्जेक्ट। बट ये तो हमेशा क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट, यानी कि ये टर्म भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, यानी कि रो लिक्विड इंटू वी डिस्प्लेस क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, यानी कि वी डिस्प्लेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रो लिक्विड, वी डिस्प्लेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रो लिक्विड के, यानी कि जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, तो वी डिस्प्लेस क्या होगा, बढ़ेगा, वी डिस्प्लेस बढ़ेगा। इस निष्कर्ष पे निकलने हम लोग कि जो वी डिस्प्लेस्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, और टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटती है, तो वी डिस्प्लेस कब बढ़ेगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तब या ऊपर जाएगा तब, या तो ये नीचे जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी कि ये अभी मान लो यहां तक है तो ऐसे जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और नीचे चला जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम किया तो ऊपर आएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करेंगे तो रो लिक्विड, रो लिक्विड बढ़ेगा तो वी डिस्प्लेस घटेगा। यानी कि क्या लिखना चाहिए मैंने यहां पर, किधर जाएगा, अरे किधर जाएगा, नीचू, यानी कि गो बिलो या गो डाउन, इट विल गो डाउन। उल्टा किया तो गो अप, लेकिन पानी के केस में आपको पड़ता है उल्टा केस है, 0 से 4 तक अलग बिहेवियर है पानी का, अगर ये लिक्विड पानी होता तो क्या दिक्कत आती, 0 से 4 तक, यानी कि इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर 0 से 4, 0 से 4 में क्या होता है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है बट डेंसिटी बढ़ती है, और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वी डिस्प्लेस्ड, वी डिस्प्लेस घटने का मतलब किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट किधर जाता है, ऊपर, और अबाउट 400 डिग्री, सॉरी अबाउट 4 डिग्री में डेंसिटी क्या होती है, घटती है, तो वी डिस्प्लेस क्या होगा, बढ़ेगा, तो किधर जाएगा, नीचे। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा केस है वाटर के केस, बाकी लिक्विड के लिए सेम। ये चौथा वाला है फ्लोटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखो मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट वाला, बट इसमें क्या बाइंड फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं, है ना, ये तो फ्लूइड का टॉपिक है, बट आपको क्लियर करा के दिया कि बाइंड फोर्स होता क्या है। तो बाइंड फोर्स क्या है, बेसिकली वेट ही है, एम जी है, बट किसका एम जी है, जो लिक्विड का मास डिस्प्लेस हो गया किसकी वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से, उसका मास, उसका वेट, बेसिकली उसका वेट ही क्या होता है हमारा बाइंड फोर्स, और जो किसको बैलेंस करता है, वेट को, अगर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है तो, इसलिए बताइए। और यहां से एक कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि भाई टेम्परेचर के ऊपर मास वगैरह डिपेंड नहीं करता है।
तो वहां से पता लगा वी डिस्प्लेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है रो लिक्विड के। ये चौथा है, चौथे के बाद पांचवा। सर लिखना कब है? ये लास्ट है बेटा, इसके बाद दो तीन और बचेंगे वो बाद में देखिए। सो पांचवा क्या है? तो पांचवा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको याद है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले तो बच्चों को दिखाते हैं, ये होता है सिंपल पेंडुलम। एक स्ट्रिंग होती है या एक वायर होता है, दिस वायर, लेट से वायर का लेंथ कितना है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा, क्योंकि ये भी किसी मेटल से बना होगा, और इसको बोलते हैं बॉब। तो एम इज द मास ऑफ द बॉब। तो ये स्विंग करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना आता है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√L/g। ये सबको पता है 2π√L/g इसका टाइम पीरियड है। तो इनिशियली ये मान लेते हैं एट टेम्परेचर थीटा वन। अब देखो यहां पे टेम्परेचर को मैं थीटा से लिख रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर को टी से लिखूंगा, टाइम पीरियड को भी टी से लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसलिए टेम्परेचर को किससे किससे लिखा गया। अब मान लो टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो टाइम पीरियड क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाया मान लो, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ेगा। थीटा बढ़ा तो लेंथ बढ़ा तो टाइम पीरियड भी बढ़ा। तो टाइम पीरियड मान लो नया टाइम पीरियड हो गया टी डैश, तो टी डैश क्या हो जाएगा? 2π√L/g। ये कब होगा? एट टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू थीटा टू। तो डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा विल बी थीटा टू माइनस थीटा वन। एल डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नवा लेंथ एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सही है गलत है? डाल दो उधर। तो टाइम पीरियड आ गया 2π√। एल डैश का वैल्यू क्या? एल वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा टी की जगह क्या लिख रहे हैं? क्यों? टेम्परेचर के लिए थीटा लिख रहे हैं, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी लिख रहे हैं, इसीलिए बस। तो फिर ये तो पुराना वाला ही आ गया, देखो 2π√L/g किसके बराबर है। तो यहां से टी डैश क्या आ गया? टी वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पावर। अब वापस से क्या लगाएंगे? बाइनोमियल लगाएंगे, वन प्लस एक्स टू द पावर एन को क्या लिखेंगे? वन प्लस एन एक्स। तो क्या आ जाएगा? टी डैश इज इक्वल टू टी वन प्लस कितना पावर है? आप आ जाएगा कहां पर? कहां पर आ जाएगा मित्रों? आगे आ जाएगा। और क्या इसको ऐसे लिख दो चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। और यहां से इसको मैं ऐसे लिख दू तो चलेगा कि नहीं? अरे नहीं चलेगा, अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसको ऐसे लिख दो तो चलेगा कि नहीं? दैट इज डेल्टा टी बाई टी, यानी कि दिस इज द रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड। और परसेंटेज चाहिए तो बस। कितना चंपू फॉर्मूला है रे? क्या है चंपू फॉर्मूला? अल्फा डेल्टा थीटा बाय टू, अल्फा डेल्टा थीटा बाय टू, अल्फा डेल्टा थीटा बाय टू। अल्फा क्या है? वायर का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर, जो कि किससे आएगा? थीटा टू माइनस थीटा वन से। एक क्वेश्चन का पेंडुलम क्लॉक विथ वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2×10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस।
इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस फाइंड। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ओमेगा होता है 2π/T। यानी कि लॉजिक क्या बोलता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या बढ़ेगा, तो स्पीड क्या होगा? तो घड़ी स्लो चलेगी कि फास्ट चलेगी? स्लो चलेगी। तो टाइम लॉस करेगी या टाइम गेन करेगी? लॉस करेगी, क्योंकि स्लो चल रही है, यानी कि देर विल बी टाइम लैग और लॉस। लेकिन अगर टेम्परेचर घटा तो टाइम पीरियड भी घटेगा, तो स्पीड क्या होगा? और स्पीड बढ़ा तो क्या होगा? टाइम गेन होगा, यानी कि घड़ी फास्ट चलेगी। यस और नो? कंसेप्ट क्लियर है? अब इसको देखते हैं। अ पेंडुलम क्लॉक विद वायर ऑफ अल्फा इज हीटेड, मतलब कौन सा केस है? फर्स्ट वाला केस है। तो टाइम गेन या टाइम लॉस? टाइम लॉस। फाइंड टाइम लैग बाय दिस वॉच इन 1 मंथ। एक महीने में कितना टाइम लॉस हो जाएगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा बाई टू। तो डेल्टा टी निकालना है सिर्फ, क्या आ जाएगा? अल्फा डेल्टा थीटा बाई टू इंटू टी। अल्फा का वैल्यू 2 × 10⁻⁴। डेल्टा थीटा 10/2। और टाइम कितना बोल रहे हैं? एक महीना बोल रहे हैं। एक महीने में कितने दिवस आए हैं? 30 दिवस। काट डालो, क्या बच गए लो? क्या बच गए लो? 10⁻³, ये आ जाएगा 0.03 डेज। अरे हाँ यार, एक दिन में कितना समय होता है? देखो यहां पर ना, इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सब नई नई है आपके लिए, सब नहीं है। तो ये मेंदू का प्रयोग जरूर करें, घर पे जाके रिवाइज नहीं किया ना तो ये चैप्टर से आपको डर लगेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। घर पे रिवीजन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सब नया है, कुछ भी जुना नहीं है। हाँ, तो एक चीज सर क्या बोल रहे हैं आपसे? सर बोल रहे हैं कि देखो मित्रांनो, कुछ रटवा के देता हूं। एक हार में कितने मिनट? यानी कि 3600 सेकंड। सही है बात, गलत बात है? सही बात है, बात तो सही है। एक दिन में कितने घंटे? तो उसको 24 से मल्टीप्लाई कर। एक साल में कितने? 365 डेज, यानी कि 365 × 24 × 3600, 3600। मैं बताता हूं आपको कितना आएगा, मैं इसीलिए तो बैठा हूं यहां पर। अरे जब है अपने पास सुविधा तो सुविधा का प्रयोग करेंगे ना। हाँ, किस किस को मल्टीप्लाई करना था? 24 × 3600, पक्का ना? एट्टी सिक्स थाउजेंड 400। अरे तो शांत तो बैठ यार, 8640। ये कितने में आया? एक दिन में। तो बस यहां पे डाल दो, एक दिन का कितना आ जाएगा? 0.03, 0.03 आ रहा है ना, ये चेक कर लो। 10⁻³ बचेगा, मतलब 10⁻², बचेगा 3 × 10⁻², कितना होगा? 0.03 ×
86400 सेकंड, तो कितना आ जाएगा वो? इनटू कितना करना है? 0.03, 2592 सेकंड्स, 2592 सेकंड्स। और इसको मिनट में भी बदल सकते हैं 60 से डिवाइड करके, तो वो कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो कितना आया ये? 2592 सेकंड्स, ये आंसर है पहले का। अब मेरा ईयर में भी निकालना है, ईयर का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 86400 को किससे मल्टीप्लाई करो? हाँ, 86400 को, 86400 को 86400 को 365 से करेगा। इतना कौन याद रखेगा, इसलिए एक दिन का याद रखो। कितना आता है एक दिन का? एक दिन में कितने सेकंड? यस, यहीं तक याद रखना है आपको। तो हम एक ईयर तक नहीं, सिर्फ एक दिन तक ही याद रखें, एक दिन काफी हमारे लिए। अ पेंडुलम क्लॉक विथ वायर ऑफ अल्फा दिस इज हीटेड फ्रॉम दिस फाइंड टाइम लाइक बाय दिस वॉच इन 1 मिनट। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल और लास्ट, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल। इफ अ पेंडुलम क्लॉक runs behind by 2 minutes in USA at 15 degree Celsius, सॉरी टेम्परेचर बढ़ना बढ़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लेक्स किया है आपने तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उषा की जगह इंडिया करना पड़ेगा। इफ अ पेंडुलम क्लॉक रन्स बिहाइंड बाय 2 मिनट्स इन इंडिया एट 35 डिग्री सेल्सियस इन 1 डे, सेम क्लॉक रन्स अहेड बाय 4 मिनट्स इन उषा एट 20 डिग्री सेल्सियस। फाइन, पहला फाइन पहला क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो स्लो चलेगा कि फास्ट चलेगा? स्लो चलेगा, तो स्लो चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है? 2 मिनट। कितने दिन में? एक दिन में, यहां भी इन 1 डे लिखना पड़ेगा। अब क्या पूछ रहा है ये सुनो, फाइन पहला ध्यान से सुनेंगे क्या पूछ रहा है। पहला, टेम्परेचर एट विच क्लॉक शोज एग्जैक्ट टाइम, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, फाइंड अल्फा ऑफ द वायर ऑफ पेंडुलम, यानी कि अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, केवल वैल्यू चेंज होकर आता है। उषा इंडिया, उषा में ठंड है थोड़ी, ठंड है तो टेम्परेचर क्या है? कम है, तो टेम्परेचर जब कम होगा तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी कम होगा, बट स्पीड क्या होगा? तो फास्ट चलेगा, तो वो अहेड लिखा हुआ है। अहेड, टेम्परेचर बढ़ा तो स्लो चलेगा, इसलिए बिहाइंड लिखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट शोज करेक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम या करेक्ट टाइम ऐसा बोलेगा,
इट शोज करेक्ट टाइम एट थीटा डिग्री सेल्सियस, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अब कहां लेके चलते हैं, इंडिया में। तो इन इंडिया, इंडिया में कितना टेम्परेचर है, तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, 35 माइनस थीटा, 35 माइनस 29। जैसे मान लो अभी यहां पर करेक्ट टाइम दिखा रही है घड़ी, थीटा है ये और ये है इंडिया, कितना है 35, तो डिफरेंस कितना है 35 माइनस थीटा। यहां तो करेक्ट टाइम दिखा रही थी बट यहां जाने पे स्लो हो गई इंडिया। ये उषा, उषा का टेम्परेचर 20, यानी कि करेक्ट टाइम जो वो दिखाएगी वो 20 से तो ज्यादा और 35 से कम होना चाहिए जब वो करेक्ट टाइम दिखाएगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या मान लिया, और ये थीटा 20 से तो बड़ा होगा बट 35 से छोटा होगा, समझ रहे ना। तो इंडिया में चले गए, तो इंडिया में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, और फॉर्मूला क्या है डेल्टा टी बाई टी का, क्या है अल्फा डेल्टा थीटा बाई टू। तो लगाते हैं अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, डेल्टा थीटा कितना आ गया अपॉन, और कितना लेग किया, कितने दिन में, यानी कि आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा टी कितना आया, 2 मिनट, कितने दिन में, 1 दिन में। ये पहला इक्वेशन। अब कहां चलते हैं, ये तो इंडिया की बात हो गई, उषा की बात करते हैं, उषा में चले यानी कि इन उषा, डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 20। क्या बात है यार, मजेदार, क्यों थीटा माइनस 20, 20 से बड़ा है ना थीटा, तो थीटा माइनस 20। सेम फॉर्मूला, कितना आगे चला गया, 4 मिनट्स, यानी कि 4 मिनट्स कितने दिन में, 1 दिन में। अल्फा तो वही रहेगा, डेल्टा थीटा की जगह अपॉन, दोनों का रेशियो ले, दोनों का रेशियो लेने का फायदा क्या, दोनों का रेशियो लेने का फायदा ये होगा कि आपका क्या मरेगा, अल्फा मरेगा। तो क्या बचा, यहां पर है 2/1, यहां पर क्या है, तो 2/4, अल्फा भी कटेगा 2 भी कटेगा, क्या बच गया 35 माइनस थीटा अपॉन, काट डालो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो आ गया थीटा माइनस 20 इज 70 माइनस 2 थीटा, सही है गलत है, सही है। तो 3 थीटा इज 90, तो थीटा इज 30, यानी कि 30 पर वो एग्जैक्ट सही टाइम दिखाएगा आपको। अबे यही तो आपने अज्यूम किया था ना, आपने अज्यूम क्या किया था, लेट अस अज्यूम इट शोज, यानी कि वो थीटा कितना आया, इस पे वो करेक्ट टाइम दिखा। अब यही थीटा उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो अल्फा आ जाएगा, किसमें डालना पसंद करेंगे, आपके ऊपर है। यानी कि मुझे अल्फा निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे, यानी कि किसी भी एक इक्वेशन से निकाल, लेट से इससे निकालते हैं, 4 मिनट अपॉन 1 डे इज इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस 20 अपॉन 4 मिनट, मिनट का मतलब सेकंड, कितना, और 1 दिन में कितने सेकंड, क्यों सिखाया था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, आ रहा है, इसीलिए तो सिखाया था, काट डालो, नहीं काटोगे, काट डालो, किससे क्या काटोगे, 0 से 0, ये कट रहा है क्या, 6 से, ऑब्वियसली कटेगा, ऑब्वियसली कटेगा, ये काटो, 1 छंग छंग, 6 दुक 12 है, कहां पे 2 नहीं आएगा, 1 छंग छंग है ना, 6 से काट रहे है ना, फिर 26 बचा, तो 6 चौके 24 है ना, फिर 4 पक्का ना, फिर कटेगा ये, 2 से काटो, 2 से 2 बार 7, फिर कट रहा है, थर्टी सिक्स, तो अल्फा आ गया
वन अपॉन थर्टी सिक्स इंटू फाइव 180। इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, 1/1800 है ना। वन डिवाइडेड बाई 1800 कितना आया? 5.55 × 10⁻⁴। फाइव पॉइंट फाइव फाइव इंटू पर डिग्री सेल्सियस अल्फा। ये पूछते नहीं है ज्यादा, वो वाला ज्यादा पूछते हैं कि करेक्ट टाइम कब शो करेगा। कितने एप्लीकेशंस देखे? पांच। पहला बायोमेडिकल स्ट्रीम, दूसरा थर्मल स्ट्रेस, तीसरा अपर एंड एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, चौथा फ्लोटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, और पांचवा पेंडुलम क्लॉक। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है थर्मल स्ट्रेस और पेंडुलम क्लॉक, और फिर उसके बाद अपर एंड एक्सपेंशन। बाकी से ज्यादा नहीं देखा गया है, बायमेटलिक से कभी कभी और वो फ्लोटिंग वाले से कभी कभी, बट ये जो मैंने बताया है स्टैंडर्ड, ये तो एज इट इज आ जाते हैं उठ के। समझ में आएगा कैसे करना है? सब कुछ नया है आप लोगों के लिए, मुझे पता है सब कुछ नया है, तो अच्छे से करिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, ज्यादा तो नहीं हुआ रहेगा लिखने के लिए, थोड़ा ही है ना कि ज्यादा है? थोड़ा सा तो है, ये देखो ना, बस इतना ही है। ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे पक गए होंगे। कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लो बिंदास, फिर से बताएंगे आपको।